आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, आप सब जानते हैं वो कैंसर है। अफगानिस्तान ने स्पेशली इस बारे में कहा था, ऑर्डर किया था कि जी कैंसर एक ऐसा मर्ज है कि जो बहुत ज्यादा फैल रहा है और इंतहाई खतरनाक बीमारी है। तो इसके मुतालिक जो जनरल अवेयरनेस है, जो जनरल नॉलेज है, वो शेयर किया है। तो हमने इस टॉक का अहतमाम किया। कैंसर एक ऐसी चीज है जो कोई नई बीमारी नहीं है और सब लोग जानते हैं कैंसर क्या है। कैंसर के बारे में कहा जाता है कि कैंसर एक डेथ सेंटेंस है, यानी मौत का परवाना। बहुत से लोगों का यकीनन कैंसर के साथ किसी फैमिली मेंबर, किसी रिलेटिव के रेफरेंस उनका इसे इंटरेक्शन हुआ होगा, वास्ता पड़ा होगा। वो जानते हैं कि जब डॉक्टर ये कहता है गाना खासा मरीज को कि आपको कैंसर है, तो उसके ऊपर या उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीतती है। आप लोग प्लीज जरा शेयर कीजिए, वो लोग प्लीज अपना हाथ उठाइएगा कि जिनके करीबी फैमिली मेंबर का, करीबी फैमिली मेंबर में किसी को कैंसर हुआ। सर डेफिनेशन पहले कर दें, डेफिनेशन कैंसर आप क्या सुना? मेरा ख्याल है, प्लीज थैंक यू, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 30-40% लोगों ने हाथ खड़े किए। ये इतने से हमारे मजमे के अंदर 30-40% वो लोग हैं जिन जो उनका कैंसर से जिनको वास्ता हुआ उनके फैमिली में। आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना ज्यादा है, इसकी फिगर्स क्या है। जब हम किसी पर बात करते हैं तो हम उसकी प्रेवलेंस को डिस्कस करते हैं। दुनिया में जो रिसर्च हुई है वो क्या कह रही है, इससे पता चलता है कि ये बीमारी दुनिया में कितनी फैल रही है और खुदा ना खास्ता हमारे हमें इससे बचना कितना जरूरी है। सर आप बैठ जाइए, आइए इधर, सर आप बैठ जाइए, यहाँ आ जाओ ना, यहाँ बैठ जाइए। दुनिया की रिसर्च ये कहती है कि दुनिया में एट अ टाइम 10 करोड़ से ज्यादा लोग कैंसर में मुबतला होते हैं। पाकिस्तान के 20-22 करोड़ आबादी है, आधे पाकिस्तान जितने लोग पूरी दुनिया में एट अ टाइम कैंसर में किसी न किसी किस्म के कैंसर के अंदर मुबतला होते हैं। 1 करोड़ लोगों की सालाना कैंसर की वजह से डेथ होती है, 1 करोड़ लोग कैंसर की वजह से मर जाते हैं। कैंसर एक ब्रॉड सी टर्म है, इसके अंदर 100 किस्म की बीमारियां आती हैं, 100 किस्म के कैंसर आते हैं। कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है, कैंसर स्किन में भी हो सकता है, हड्डी में भी हो सकता है, मैदे में भी हो सकता है, जिगर में भी हो सकता है, लबलबे में भी हो सकता है, दिमाग में भी हो सकता है। एक ऑर्गन है जो काफी हद तक कैंसर से बचाव होता है, वो है दिल। दिल के अंदर आमतौर पर कैंसर नहीं होता, अल्लाह ताला ने उसकी साख की ऐसी बनाई है, लेकिन रेयर है, बहुत रेयर है। आपने कभी सुना नहीं होगा किसी आदमी को दिल का कैंसर हुआ। जो कॉमन कैंसर है, कॉमन मर्दों के अंदर फिफड़े का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड आप जानते हैं, उसके अलावा मैदे का कैंसर और बड़ी आंत का कैंसर, ये इंतहाई कॉमन है, ये बहुत ज्यादा है। और औरतों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, छाती का कैंसर, फिफड़े का कैंसर, उसके अलावा बड़ी आंत का कैंसर और जो है बच्चादानी का कैंसर, ये इंतहाई ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे जो औरतों का छाती का सरतान है, छाती का कैंसर है, वो बहुत खतरनाक हद तक ज्यादा है। वो कहते हैं, आप लोग उन्हें देखा हो आजकल शहर के अंदर मुख्तलिफ वो उसकी होर्डिंग्स जो लगी हुई हैं कि 9 में से 1 औरत कैंसर का शिकार है। ये वो हैं जो डिटेक्ट हो गई हुई हैं, खुदा ना खास्ता जो भी डिटेक्ट नहीं हुई उनका हमें पता नहीं। तो क्यों इतना ज्यादा है? आज से 100 साल पहले नहीं था सर, कैंसर का तस्वर भी नहीं था। आज से 100 साल पहले हमारे यहाँ तो क्या 50-60 साल पहले भी इतना नहीं था। क्या हुआ ऐसा कि इतने लोग बीमार होना शुरू हो गए? एक पॉइंट यहाँ से शेयर करूंगा आपसे, उसकी वजह जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सनती इनकलाब जिसको कहा जाता है। 100 साल से आया ना ये सनती इनकलाब, जहां पे बहुत सी और बीमारियां लेके आए, उसके साथ ये कैंसर भी लेके आए। तो हमने आज ये डिस्कस करना है, हमने ये देखना है, गौर करना है कि क्यों है इतना ज्यादा। जिसने क्या हमें प्रोडक्ट है ना अल्लाह ताला की बनाई, क्या खुदा ना कहता इतना ज्यादा ये मॉडल खराब आ रहा है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम है? जैसे कोई कंपनी का एक मॉडल आता है, बात कहते हैं यार ये मॉडल टोयोटा कोरोला का प्लान जो गाड़ी है ये फेल मॉडल है, उस कंपनी से बनाने में कोई इंजीनियरिंग में गलती होगी, कुछ एक पॉइंट पे गलती होगी, वो मॉडल फ्लॉप हो जाता है।
तो हम भी किसी का मॉडल है, किसी की बनाई तखलीक है, तो खुदा ना खास्ता कि क्या उस कितने लोग मुब्तला हो रहे हैं और मर रहे हैं, क्या खुदा ना खास्ता उसके बनाने उसकी तखलीक में कोई फॉल्ट है? नहीं। चले हम ऐसे करते हैं, उससे पूछते हैं वो क्या कहता है इसके अंदर। वो फरमाता है इन्ना फी खल्क समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि ला आयातिल उलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामहुम व क़ुऊदहुम वला जुनूबहुम व यतफक्करून फी खल्क समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़ता हाज़ा बातिला सुभानका फ़क़िना अज़ाबन नार। बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में उन लोगों के लिए अजीम निशानियां हैं जो साबे अक्लो दानिश हैं। वो लोग जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों और जमीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं ऐ हमारे रब, तूने सब कुछ को बेफायदा नहीं बनाया, तू पाक है, बस तू हमें क़यामत के दिन अज़ाबे दोज़ख से बचाना। सूरह अल इमरान का आखिरी रुकू की चंद आयात है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग गौर व फिक्र करते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए निशानियां। अल्लाह ताला फरमाते हैं वतीनी वज़ैतून वतूरी सीनी वहाजल बलदल अमीन लकद खलकना लिंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अल्लाह जवाब देते हैं कि मैंने इंसान को बेहतरीन तख्लीक पैदा किया, बेहतरीन, इस मॉडल में कोई फॉल्ट नहीं हो सकता। उसको पता था कि 2020 में ये कुछ होगा दुनिया में और उसके साइड इफेक्ट के तौर पे ये मसाइल भी होंगे, उसने उसका हल भी रखा हुआ है और क़यामत तक जो भी दुनिया आनी, जो भी एडवांसमेंट आनी है, जो भी मसाइल आने हैं, उनके हल सेहत के मुतालिक मैं बात करूँ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। एक और चंद आयात में आपसे शेयर करूँगा जिससे हमें कुछ और क्लू मिलता है। अल्लाह फरमाते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लामहुल बयान अश्शम्स वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्म वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अ ववज़अल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ती वला तख़्सुरुल मीज़ान। एक अल्लाह वाले बताते हैं कि इस सूरह के अंदर अल्लाह ताला ने चोटी की चीज़ों का जिक्र किया, चोटी की चीज़ों का। अर्रहमान, अल्लाह ताला के नामों में चोटी का नाम रहमान। अल्लामल कुरान, अल्लाह दुनिया के अंदर अल्लाह अपने नाम के बाद इलम का जिक्र कर रहा है। उलूम के अंदर सबसे चोटी का जो इलम है वो कुरान, कुरान का इलम कुरान है। उसके बाद अल्लाह ताला खलक अल इंसान, उसके बाद अपनी तखलीकात में से जो चोटी की तखलीक है उसका जिक्र करते हैं, वो क्या है? इंसान, खलक अल इंसान। उसको अल्लाह महुल बयान, इंसान के अंदर जो चोटी की सलाहियत है, जो चोटी की सलाहियत वो इल्मुल बयान, वो बोलने की जो इसकी सलाहियत है वो तमाम स्पीशीज में सबसे ज़्यादा है। बाकी में तो कोई जानवर किसी न किसी चीज़ में हमसे ज़्यादा, कोई भागने में ज़्यादा, कोई सुनने में हमसे ज़्यादा, कोई ताकत में हमसे ज़्यादा, लेकिन इंसान की जो चोटी की सलाहियत है वो बोलने की, तो अल्लाह इसका जिक्र करता है। ये चार चोटी की चीज़ों का जिक्र करने के बाद फिर एक लफ्ज को अल्लाह ताला तीन दफ़ा इस सूरत में इस्तेमाल करते हैं, वो है इसकी इन आयात में जो मैंने पढ़ी है, वो है मीज़ान। मीज़ान, मीज़ान, मीज़ान क्या है? मीज़ान बैलेंस है। मीज़ान क्या है? तरतीब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने एक बैलेंस के साथ तुम्हें पैदा किया, मैंने कायनात को एक तरतीब के साथ पैदा किया। मसला उस वक्त हुआ जब हमने ये तरतीब ख़राब करनी शुरू कर दी, तो हमारी अंदर की तरतीब ख़राब हुई। वो अंदर का क्या बैलेंस है, थोड़ा सा मैं मुख्तसरन आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। बहुत से लोग बेसिक साइंस जानते हैं, जो नहीं जानते वो उनको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। हम सब, मैंने एक मॉडल बनाया था, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सका, मैं शायद प्रैक्टिकली आपको प्रेजेंट करता हूँ। आप एक लम्हे के लिए अज्यूम कर लीजिए कि हम जो है, हमारी बॉडी ये बेंच है, हमारी बॉडी हम ये बेंच है, जिसके साथ ये किस चीज़ से मिलकर बना? सीमट सरिया बजरी रे। हम कह रहे हैं इसके अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा है वो बजरी है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर बजरी है। हम कह देंगे कि इसका जो बेसिक यूनिट है वो बजरी है। जो जितने भी जानदार हैं, चाहे वो इंसान है या जानवर है या दरख्त है, हम सब जानते हैं कि उनका जो बेसिक यूनिट है वो जिस चीज़ से मिलकर बना है वो है खुलिया या सेल। अगर हम ये बेंच हैं तो
बजरी से मिलके हम बने हैं, तो हमारी जो बजरी जो हमारा बेसिक यूनिट है वो सेल है, वो खुलिया। कैंसर को अंडरस्टैंड करने के लिए सेल को जानना इंतहाई जरूरी है। हमारी कोशिश ये है यहाँ की इल्म की बात की जाए। ये बहुत आसान है कह देना कि जी ये चीज खा लो इससे कैंसर ठीक हो जाता है, ये फलां चीज। आजकल बदकिस्मती से जिस चीज की बहुत ज्यादा कमी है वो सही इल्म की कमी है। हर इंसान अपनी लालच के अंदर इल्म को या जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होती है वो अपने तरीके से मोल्ड करके प्रेजेंट कर रहा होता है। एक बदकिस्मती से सोशल मीडिया नाम जो चीज आई है, जिस इंसान को साइंस का, मेडिकल साइंस का या किसी सब्जेक्ट की अलग वे भी पता नहीं होती, वो भी दो लफज पढ़ के वहां बैठ जाता है और वो लोगों को अपने मशवरे लोगों के ऊपर मुसलत कर रहा होता है। जिसको सेल की डेफिनेशन भी नहीं आती वो कैंसर का स्पेशलिस्ट बन के बैठा हुआ होता है। बदकिस्मती है लोग डिट्रैक्ट होते हैं, मासूम लोग, कईयों को पता नहीं वो बेचारे उसके अंदर वो बह जाते हैं, वो प्रैक्टिसेस भी कर जाते हैं और अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। हमारा मकसद इलम डिस्कस करना है, बुनियादी नॉलेज आपसे डिस्कस करना है ताकि हम समझें, हम इससे बचें बेहतर तरीके से, हम किसी के फ्रॉड से बचें और खुदा ना खास हमारे करीब किसी को तो हम उसको गाइड कर सकें सही तरह से। मैं आपको बता दूं, अंडरस्टैंड करके कुदरती तरीके पे अमल करके इस कैंसर को 100% क्योर किया जा सकता है। बात थोड़ी सी लंबी है, हम पार्ट्स में करेंगे, कुछ आज करेंगे, कुछ नेक्स्ट करेंगे, हो सकता है कुछ नेक्स्ट करें या नेक्स्ट के अंदर इसको हमने बताएं। तो मैं खुलिया की सेल की आपके साथ बात कर रहा हूँ। हमारा जिस्म, हम क्या है, हम सेल्स का एक मजमू है, हम कुछ भी नहीं है। कितने सेल से मिलकर हम बने हैं जी? एक जो रेत का जर्रा है, एक जो रेत का जर्रा है उससे उसको अगर हम कंपेयर करें, मैंने समझाने के लिए एक सेल का मॉडल लेके आया। एक रेत का जो जर्रा है वो इस बॉल के मुकाबले में जितना छोटा होगा, हमारा सेल उस रेत के जर्रे के मुकाबले में इतना छोटा है। हमारी जितनी भी एक्टिविटी है, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, मैं बात कर रहा हूं, मैं चलता हूं, एनर्जी बन रही है, खाना डाइजेस्ट होता है, मैं सांस लेता हूं, मैं सोता हूं, जागता हूं, जो कुछ भी करता हूं वो खुलिए के लेवल पे होता है। खुलिए के बाहर, सेल के बाहर कुछ नहीं होता। कितने सेल से हम मिलकर बने सर? कितने सेल के वहां पे जाके गिनती भी खत्म हो जाती है, अंग्रेजी की भी उर्दू की भी। अंग्रेजी हम कहते हैं मिलियंस, ट्रिलियंस और बिलियंस, ट्रिलियंस। उर्दू में हम कहते हैं अकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दा लाख, करोड़, दा करोड़, अरब, दा अरब, खरब, दा अरब। इसके बाद की गिनती मुझे तो नहीं आती। 1000 खरब तकरीबन एक कैलकुलेशन है सेल्स खुलियों से मिलके हमारा जिस्म बना। ये पॉपुलेशन है हमारी। आप कह लें हम क्या है, हम एक मुल्क है जिसके अंदर 1000 खरब अफराद हैं जो अपना अपना काम करते हैं, जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हैं वो सारे सेल्स, जैसे एक मुल्क के अंदर कोई आदमी टीचिंग कर रहा है, कोई आदमी कोई और कारोबार कर रहा है, कोई आदमी आर्मी के अंदर है, कोई पॉलिटिक्स के अंदर है, कोई कुछ भी कर रहा है ना। हैं सब इंसान लेकिन अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं, उस लिहाज से उन्होंने अपनी स्किल्स भी डेवलप की है। ये सब खुली हैं जिनसे हम बने हैं, लेकिन वो दिमाग का जो खुलिया है वो दिमाग का काम कर रहा है, जिगर का खुलिया जिगर वाला काम जो उसको साइन किया है वो कर रहा है। तो 1000 खरब जो खुलिए हैं उनमें से उनकी खसूसियत ये है कि वो पैदा भी होते रहते हैं और उनकी डेथ भी होती है, पैदा होते हैं उनकी डेथ होती है। एक दिन के अंदर आपके जिस्म में से तकरीबन 1 अरब खुलिए फौत होते हैं और उतने ही नए बनते हैं। ये एक बैलेंस है, बैलेंस। बैलेंस को क्या अल्लाह ने कहा? मिजान। ये मिजान जब खराब होता है तो उसका नाम है कैंसर। अगर मैं अब वो खुलिया क्या है जिसका साइज हमने क्या डिस्कस किया, एक हम कहें ये बॉल है और इसके कंपैरिजन में रेत का जरा है, रेत का जरा, लेकिन जो खुलिया है हमारा रेत के जरे के मुकाबले में इतना छोटा है जितना कि रेत इसके मुकाबले में छोटी है। आंख से हम नहीं देख सकते, उसके अंदर एक पूरी दुनिया आबाद है,
अगर हम ज्यूम कर लें ये वो खुलिया है, ये सेल है जिससे मिलके मैं बनाऊं, ये वो एक हजार खरब वो खुलियों में से एक खुलिया है, तो इसकी सबसे पहले इसकी बाहर एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर सैकड़ों दरवाजे हैं मुख्तलिफ चीजों के अंदर जाने के लिए। एक ऑक्सीजन का दरवाजा है, एक पानी का दरवाजा है, एक ग्लूकोज का दरवाजा है, इंसुलिन का दरवाजा है, हर चीज का अलग अलग गेट है। और इसके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो जिस चीज को चाहे अंदर आने दे, जिस चीज को चाहे अंदर ना आने दे, वो इंटेलिजेंट है। हम देखते हैं इसको खोल के, खुलिए के अंदर आकर है क्या, क्या चीजें हैं इसके अंदर। छोटे छोटे हम कह लें, जाहिर है वो खुद इतना छोटा है, उसके अंदर वाली चीजें कितनी छोटी होंगी। उसके अंदर उसके अपने ऑर्गेनेलीज हैं, उसके अंदर उसके अपने मुख्तलिफ आप कह लें उसके हिस्से हैं उसके जिस्म के। उसमें एक हिस्से का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जो एनर्जी फैक्ट्री है, जो हमारी एनर्जी बन रही है, जो हम काम कर रहे हैं एनर्जी बनी उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रही है। इस उस नन्हे खुलिये के अंदर एक से लेके कुछ खुलियों के अंदर 2000 तक माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी का प्लांट है वो, ग्लूकोज लेता है, बिजली बनाता है और हमें सप्लाई करता है। अंदाजा लगा लीजिए कितना छोटा होगा। उसके अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, अपना फंक्शन करते हैं। उसके अंदर एक सेंटर में होता है जिसको हम मरकजा कहते हैं उर्दू के अंदर, न्यूक्लियस कहते हैं हम अंग्रेजी के अंदर। एक वो होता है, उस वो जो न्यूक्लियस है हम ज्यूम कर लेते हैं, वो इसमें से ये न्यूक्लियस है सेल का। उसको जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर ये इस तरह के धागे होते हैं जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। उन क्रोमोसोम्स के ऊपर जेनेटिक कोड्स होते हैं, और पता है कितने कोड होते हैं उसके अंदर? 25,000 कोड हैं। किसने लिखे हैं आप अंदाजा लगा लीजिए, 1,000 खरब खुलियों पे मुश्तमल। उसका साइज क्या है, उसकी आप कंपोजिशन देख लीजिए, उसमें दरवाजे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं, उसके अंदर 2000 एनर्जी फैक्ट्री, एनर्जी का प्लांट है उसके अंदर। फिर ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, उसके अंदर जेनेटिक कोड्स हैं, जीन्स हैं, और वो कितने हैं, वो 23,000 इंसान के जीन के कोड उसके ऊपर लिखे हुए हैं। किसने लिखे हैं? पबी अजी आला रब्दुकुमातुकसिबा, उसने लिखे हैं, अंदाजा लगा दिए। और ये साइंटिफिक एस्टेब्लिश साइंस है, क्यों सर? ये एक स्टेबलेस साइंस है, इसमें कोई ऐसी बात मुबालगा राही नहीं है। इसके अंदर सब लिखा हुआ है कि मैं अगर मैं अपने बाप की शक्ल का हूं, किसी का कद बाप जैसा होता है, रंगत मां जैसी होती है, बाल दादे जैसे होते हैं, फलां जिस्म का हिस्सा नाने नानी जैसा होता है, बाकी परदादे तक से मिलते होते हैं, फलां अपने परदादे से मिलता है, वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, वो वही होना है। इसके अंदर इस सेल की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये सेल इसके सारे इंस्ट्रक्शंस है, इसका सारा ऑर्डर है, इसके अंदर सारी तरतीब है। इसमें लिखा हुआ है इस सेल की इतनी लाइफ होगी, ये काम करेगा, ये इतनी देर बाद मर जाएगा और नए बच्चा सेल देगा, मर जाएगा। कुछ सेल चंद घंटों में पैदा होते हैं, चंद घंटों में मर जाते हैं, कुछ सेल्स चंद दिन रहते हैं, कुछ सेल्स चंद महीने जिंदा रहते हैं, और कुछ सेल कई साल तक जिंदा रहते हैं। वो कहते हैं कि ये बनाने वाले की कुदरत है ना, अगर उसने ऐसा ना बनाया होता, आप सोचें जरा, वही जिस्म होता जो हम लेके आए थे और वही लेके चलते, एक्सीडेंट हो गया तो वो रिपेयरिंग कैसे होती? वो सेल चला गया, उसके बाद नया बन गया, बीमारी है, रिपेयरिंग कैसे होती? नए बन रहे हैं, हम जवान हो रहे हैं। मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, मेरा जिस्म अब तक, मेरा ख्याल है कि मेरी पूरी बॉडी 2-3 दफा चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लाइफ है वो दिल के खुलिए की है, जो कि 10 साल है। 10 साल के बाद तो दिल का खुलिया भी चेंज हो जाता है, दिल पूरा चेंज हो जाता है हमारा, बदल जाता है, स्किन बदल रही है, बाल बदल रहे हैं, मैं सब बदल रहा हूँ, नहीं मैं पुराने की डेथ हो रही है, नए बन रहे हैं। उसका बनाने का यही मकसद, हम चाहे हमेशा जवान रहें, हम रह सकते हैं। तो सर ये जो कैंसर है, ये जो उसने कोड लिखे हैं इसके ऊपर, जेनेटिक कोड, ये इनके अंदर खराबी आ जाती है, म्यूटेशन उसको कहते हैं, म्यूटेशन हो जाती है, उस चीज का नाम कैंसर। उससे क्या होता है, जब उस कोड में लिखा हुआ है कि इस सेल ने 3 महीने बाद इसकी डेथ हो जानी चाहिए और नया बन जाना चाहिए, वो कोड मिट गया, वो क्या हुआ, उसकी डेथ ही नहीं हुई। उसमें लिखा हुआ कि इसने ये फंक्शन परफॉर्म करना है, वो फंक्शन वाला
बॉडी मिट गया और वो फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रहा, वो वाला काम भी नहीं कर रहा। हमारे जिस्म के अंदर ऑन एंड एवरेज, जैसे मैंने अर्ज किया कि 1 अरब सेल रोजाना बनते हैं और उनकी इतनी डेथ होती है, बैलेंस मेंटेन्ड है। इनमें से बहुत से कैंसर सेल भी बनते हैं, हर इंसान के जिस्म में कैंसर सेल बनते हैं, मेरे जिस्म में बनते हैं और लाखों की तादाद में बनते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका भी इंतजाम रखा हुआ है, उसके लिए हमें इम्यून सिस्टम दिया है। इम्यून सिस्टम हमारा कुव्वत मुदाफ़त इतनी इंटेलिजेंट है कि वो जैसे ही डिटेक्ट करती है कि ये कैंसर सेल बन गया, वो उसको फौरन बॉडी से रिमूव कर देती है, हमें पता भी नहीं चलता। डेली बेसिस में हमारे जिस्म में कैंसर सेल बन रहे हैं, निकल रहे हैं, हम सेहतमंद है, ये उसका निज़ाम है, ऑटो पे फंक्शन चल रहा है। मसला कहाँ पे आता है? मसला उस वक्त आता है जब वो चीज़ें जो कैंसर करती हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है और कैंसर सेल ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इतना सेहतमंद नहीं रहता, वो उनको रिमूव नहीं करता, तो वो कैंसर सेल इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। एक वक्त आता है उनका बिल्डअप हो जाता है, एक वक्त आता है वो इकट्ठे होके एक गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, फिर जब वो गिल्टी बन जाते हैं उनको ब्लड सप्लाई भी मिल जाती है, वो सिस्टम हाईजैक कर लेते हैं, वो बाकी सेल्स की एनर्जी भी ले लेते हैं, वो अपना काम भी नहीं करते और वो मरते भी नहीं है। सबसे बड़ी खराबी नहीं है ये है, अपना काम नहीं करते जिसके लिए उनको बनाया गया है और उनकी डेथ भी नहीं होती और वो बढ़ी जा रहे हैं जिस्म के अंदर। अब नॉर्मेलिटी बैलेंस खराब हो गया जिस्म का, अब वो बढ़ के ये होता है, उसमें भी दो तरह के होते हैं कैंसर, एक को कहते हैं बिनाइन, एक को कहते हैं मेलिग्नेंट। बिनाइन का मतलब है कि ऐसा ट्यूमर, ऐसे गिल्टी बन जाना इन सेल्स की वजह से जो कि बाकी जगहों पर नहीं जा रही और बाकी जगहों पर नुकसान नहीं कर रही और वो उसका इतना खतरा नहीं होता। जो मैलिग्नेंट होती है वो वाला ट्यूमर होता है, वो वाले कैंसर कटे होकर गिल्टी बनाते हैं जो कि बाकी जगहों पे जाके फैल जाता है, बाकी जगह कहते हैं कैंसर की जड़ें बन गई, दूसरे हिस्से में फैल गया, खून के तरह उसके किसी हिस्से ने ट्रेवल किया, वो था तो छाती का लेकिन वो फिफड़ों में भी चला गया, वो दिमाग में चला गया, इसको कहते हैं ट्यूमर सेल। ये खतरनाक है, ये टेररिस्ट है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है एक कैंसर का, कैंसर में बनने का। वो क्या करता है कि वो बढ़ता जाता है, वो वैसे कुछ नहीं कहता लेकिन बाकी बढ़ रहा है ना सारे, उसके सेल की डेथ ही नहीं हो रही, वो ट्यूमर बढ़ता बाकी इतना हो जाता है कि किसी सांस की नाली में जाके फंस गया, उसने सांस बंद कर दिया, वो जिगर की जो रुतूबत निकलती है उसमें जाके अगर उसमें फंस गया तो उसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो गया, मेदे में जाके बन गया उसने मेदे को खराब कर दिया। तो ये बुनियादी तौर पर कैंसर का मैकेनिज्म है। मुख्तसर आपसे डिस्कस करूंगा वो क्या चीजें हैं जो कोड मटाती हैं, ये वो क्या चीजें हैं, ये जो 23,000 जेनेटिक कोड अल्लाह ने लिखे हैं उनको खराब कर रही हैं, उनको म्यूटेशन कर रही हैं, उनको कहते हैं कार्सिनोजेनिक्स। हर वो ऐसा मादा, ऐसा केमिकल जो के जीन को जाके डिस्टर्ब करता है, जो जीन को जाके खराब करता है, उसको कार्सिनोजेनिक कहते हैं। कार्सिनोजेनिक्स क्या है, हमारे इर्द गिर्द में कौन से रिसर्च बेस्ड एस्टैब्लिश कार्सिनोजेनिक्स कौन से हैं? तो नंबर वन के ऊपर नाम आता है, वो आता है सिगरेट स्मोकिंग। एक सिगरेट के अंदर तकरीबन टाइम जी नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला जा रहा है, कॉन्सेप्ट समझाना मकसद था, थोड़ा सा लंबी बात हुई, जो असल चीज है, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको इन डिटेल इस तरह से हम नेक्स्ट टॉक में इंशाल्लाह करेंगे। मुख्तसरन मैं उन पॉइंट्स के नाम आपसे शेयर कर लेता हूँ, डिटेल आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर वन के ऊपर सिगरेट स्मोकिंग है, एक सिगरेट स्मोक के अंदर 5,000 केमिकल्स होते हैं जिनमें मेजोरिटी कैंसर कॉजिंग होते हैं। सिगरेट जितनी पीने वाले के लिए खतरनाक है उससे 2 गुना ज्यादा दूसरे के लिए खतरनाक है जो उसके सामने बैठा हुआ, उसका फैमिली मेंबर या जो कोई बैठा हुआ, उसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। ये जो पी रहा है वो एक्टिव स्मोकिंग है, जो दूसरा वो पैसिव स्मोकिंग है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम डिस्कस करें वो एयर पोल्यूशन है, इंडस्ट्री से निकलता हुआ जो धुआं है, जो कारों में से निकलता हुआ धुआं है, इसके जो फ्यूम्स हैं ये कार्सिनोजेनिक है, एस्टेब्लिश है, ये जाके लोगों को कैंसर करते हैं। जो इंडस्ट्री में से निकलता हुआ उनका जो केमिकल वाला वेस्ट है, जो पानी है, वो कार्सिनोजेनिक है। उसके अलावा हम बात करें तो रेडिएशन कार्सिनोजेनिक है। कौन कौन से रेडिएशन से हमारा वास्ता है, एक्स रेज होगी, गामा रेज होगी, ये बहुत ज्यादा अगर उनके साथ इंफेक्शन हो, लेकिन कुछ रेडिएशन जो हम जिनसे हमारा बहुत ज्यादा हो गया है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो मोबाइल फोन से रेडिएशन निकलता है, मैं कल एक रिसर्च देख रहा था, वो न्यूज थी एक चैनल की, पुरानी थी बाहर की, उसने कहा WHO ने ये चीजें मीडिया पे नहीं आती क्योंकि ज्यादा मीडिया का उनके साथ अपना एक लिंक होता है, वो ऐसी चीजें नहीं करने देते। ये 2011 के अंदर वो WHO ने इसको कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर कर दिया था। वो कह रहे 10 साल मोबाइल का इस्तेमाल जो करता है कान के साथ, उसके दिमाग के अंदर ब्रेन ट्यूमर बनने के इम्कान हो जाते हैं।
रेडिएशन कर दिया, बेतहाशा एग्जाम की रेडिएशन है। अब तो देखें कहीं भी वॉक थ्रू गेट में से गुजरने के जाना पड़ता है, वो क्या, वो रेडिएशन ही है ना, वो रेडिएशन एक्सरेज, लाइट लेवल एक्सरेज है जो हमें करती है, माइक्रोवेव ओवन हो गया, रेडिएशन है जो उसकी एलसीडी से, टेलीविजन की, मोबाइल की, लैपटॉप की एलसीडी में से जो निकलती है, जो शुआएं हैं वो रेडिएशन हैं, और वो इसी तरह से हार्मफुल हैं। उसके बाद क्या हम कहें, जिक्र करें केमिकल्स का, केमिकल देर आर नंबर ऑफ केमिकल्स जो के कंफर्म एस्टेब्लिश कार्सिनोजेनिक है। केमिकल का हमारे साथ दो तरह से ज्यादा हमारे इंटरेक्शन है, एक बॉडी केयर प्रोडक्ट्स जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा, लिपस्टिक हो गई, ये टेलकम पाउडर जो है वो कार्सिनोजेनिक है सर, टेलकम पाउडर आप देखें, आपको इतना टेलकम पाउडर नजर नहीं आता क्योंकि ज़्यादा बैन हुआ है उसके ऊपर, लेकिन हम जब बचपन में थे तो माएँ खूब बेचारी लगा देती थी, बच्चों को पाउडर लगा देती थी, टेलकम पाउडर का जो टेल्क है इट इज कार्सिनोजेनिक। ये शैम्पूज और ये जितने भी बॉडी आप परफ्यूम्स और ये बाकी डिओड्रेंट्स और ये सारे और नंबर ऑफ थिंग बॉडी, ये हेयर कलर्स और इस तरह से शेविंग क्रीम, ये सब के साथ इनके अंदर ये केमिकल्स है और इनके अंदर कैपेसिटी है कि ये कार्सिनोजेनिक है। और उसके अलावा जो हम खाते हैं, हमारा फूड केमिकल बेस्ड हो गया, बल्कि फूड बात सब जाके इंशाल्लाह पूरी बात हम डिटेल के अंदर नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर करेंगे। और उसके अलावा स्ट्रेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस भी एक कार्सिनोजेनिक है, स्ट्रेस भी जाकर जीन म्यूटेशन करती है। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सब्र से मेरी इतनी बात सुनी, मकसद हमारा नॉलेज शेयरिंग है, मकसद हमारा बचना है। मैं सिर्फ फाइनली ये कहूंगा, प्लीज इलम के साथ अपने आप को जोड़िए, अल्लाह ने अपने नाम के बाद इलम का जिक्र किया, अगर हमारे पास इलम है हम किसी से धोखा नहीं खाएंगे इंशाल्लाह ताला, हम बेहतर तरीके से अपनी अपनी फैमिली की जिंदगी को हम मेंटेन कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह। ये थी हमारी सीरीज 3 से 4 की होगी, तो इसमें कोशिश करें कि दोस्त इसको समझें।